आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। जनरल इंट्रीज के जो लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने इससे पहले आपके वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, 50,000 रुपीस गुड्स स्टार्टेड, मतलब 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, सॉरी 50,000 रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया। ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में जब पैसा दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। हम हमेशा अपने आप को किस साइड से देखेंगे, बिजनेस की साइड से। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझाया था, तो जो आए उसे डेबिट करो, हमारा रियल अकाउंट का जो रूल्स है, कैश आ रही है इसलिए हमने बोला कैश अकाउंट। या टू, ये पैसा कौन दे रहा है, ऑनर दे रहा है, तो ऑनर एक तरह से पर्सन हो गया, तो उस पे पर्सनल अकाउंट का नियम है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। और मालिक को हम हमेशा नाम ध्यान रखते हैं कि उसको खुद के नाम से ना रिप्रेजेंट करते हुए कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी वो बिजनेस में पैसा देता है, ठीक है। तो 50,000 रुपए से हमने व्यापार प्रारंभ किया, तो उसका नरेशन बनता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक। 50,000 रुपए व्यापार में आ रहे हैं, तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो, तो हमारा रियल अकाउंट का नियम है कैश आ रही है, और देने वाला कौन है, ऑनर है, तो ऑनर जब भी पैसा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, इसमें भी बिजनेस स्टार्टेड होने की इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 50,000 रुपए नगद, 20,000 रुपए के माल, मतलब हो सकता है कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहा है ऑनर, तो उसके पास पुराना कुछ सामान, पुराने शॉप का या पुराना जो बिजनेस करता था वो सामान भी उसके पास रखा है, वो नई शॉप पर लेके आ रहा है। साथ ही साथ 30,000 रुपीस का उसका फर्नीचर भी रखा हुआ है बिजनेस का। यदि वो सब चीजें हमें वापस से पैसा लगाना होता, तो इससे अच्छा उसने क्या करा, अपना खुद का पुराना माल और 30,000 रुपए का फर्नीचर लाके बिजनेस शुरू कर रहा है। तो अब वो ही चीज ध्यान रखना है कि बिजनेस में क्या क्या चीजें आ रही। पिछली बार केवल कैश आ रहा था तो हम कैश को डेबिट कर रहे थे, इस बार कैश भी आ रहा है, माल भी आ रहा है, और साथ ही साथ फर्नीचर भी आ रहा है। तो हमारा रियल अकाउंट का नियम है जो जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। सबसे पहले हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमने बोला कैश अकाउंट दिया, कितने की कैश है, उन्होंने बोला 50,000 रुपीस की, ठीक। अब जो माल है, ठीक है, तो माल को क्या करें, सर ये पुराना माल है जो बिजनेस में आ रहा है, तो कई बार इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, मतलब स्टॉक अकाउंट या, ठीक है। जो टैली पढ़ेंगे उस समय में हम इनको थोड़ा सा बताएंगे कि उस सिचुएशन में हम कई बार इसको स्टॉक को प्रॉब्लम ना जाए इसलिए उसको परचेज भी लिख देते हैं। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आप तो समझ लीजिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, आपके पास माल आ रहा है, तो जो आ उसे डेबिट करो, मतलब पुराना माल आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से स्टॉक कहेंगे। साथ ही साथ क्या हो रहा है, 30,000 रुपए का फर्नीचर भी आ रहा है, तो जो जो चीजें व्यापार में आ रही उन सारी चीजों को हमें डेबिट करना है फर्नीचर अकाउंट या, ठीक है। एक ये नई चीज यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है, एक तरह की ये कंपाउंड एंट्री भी हो रही है। कंपाउंड एंट्री मतलब एक से ज्यादा चीजें डेबिट हो रही है, जो जो चीजें डेबिट हो रही उन सबको एक साथ हम डेबिट कर दे रहे हैं। कैश अकाउंट या, माल आ रहा है कितने का, 20,000 रुपए का, उसको भी हमने डेबिट किया। साथ ही साथ 30,000 रुपए का फर्नीचर आ रहा है, उसको भी हमने डेबिट किया। जो जो आए उसे डेबिट करो। अब ये देने वाला कौन है, तो देने वाला कौन है, ऑनर, मतलब पर्सनल अकाउंट का नियम क्रेडिट द गिवर, तो देने वाले को क्रेडिट करो। तो पिछली बार मालिक केवल पैसा दे रहा था, इस बार पैसे के अलावा माल भी दे रहा है और फर्नीचर। तो बिजनेस में जो जो चीजें हैं उन सबको आपको डेबिट करना है, और देने वाले कौन है हमारे, ऑनर, तो ऑनर का नाम क्या है, लेकिन नाम नहीं लिखते हैं उनको, हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरह से व्यापारी द्वारा 1,00,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए गए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर, ठीक है। ये सारी चीजें ऑनर द्वारा बिजनेस में दी जा रही हैं। इनको बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने देते हैं। अब थोड़ा जो ट्रांजेक्शन से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को उसको ध्यान से पढ़िए। 50,000 रुपए नगद व 1,00,000 रुपए अपने दोस्त गोपाल से 10% ब्याज पर लेकर व्यापार प्रारंभ किया, है ना। व्यापार आदमी अलग अलग तरह से कंडीशन कर सकता है, खुद का पास पैसा हुआ तो कैश से शुरू कर लिया, उसके पास पैसा था
साथ ही साथ उसके पास पुराना कुछ माल रखा होता, उसने सोचा इसको भी बेच दूं तो पैसा मेरे पास वापस से जमा आ जाएगा, इसलिए उसको स्टॉक भी उसने बोला। उसके खुद के पास पुराना फर्नीचर था, उसने भी उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते फॉलो कर लिया, तो वो भी बिजनेस में आया। तो ये पहला तरीका था, केवल नगद से बिजनेस शुरू कर रहा है, नगद के साथ वस्तु और फर्नीचर से व्यापार शुरू कर रहा है। और तीसरा हो सकता है कि उसके पास पैसा कम हो तो अपने दोस्त से उधार लेकर या बैंक से उधार लेकर व्यापार प्रारंभ करता है। तो अब देखा जाए तो क्या हो रहा है, बिजनेस में 50,000 रुपए तो मालिक के खुद के हैं, 1,00,000 रुपए वो अपने दोस्त गोपाल से 10% ब्याज पर ले रहा है। तो 10% ब्याज मतलब ब्याज भी देना पड़ेगा, लेकिन जो ब्याज हम जब देंगे जब उस बारे में सोचेंगे, इस समय तो आपको ब्याज के बारे में न सोचते हुए सोचना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। सर बिजनेस में 50,000 रुपए तो खुद के आ रहे हैं, साथ ही साथ 1,00,000 रुपए अपने फ्रेंड्स के भी आ रहे हैं, मतलब ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या हो रहा है, एक तो बिजनेसमैन पैसा दे रहा है 50,000 रुपीज, साथ ही साथ उनका जो फ्रेंड है गोपाल, ठीक है, वो भी बिजनेस में पैसा दे रहा है। तो बिजनेस में देखा जाए तो यहां से भी कैश आ रही है, यहां से भी कैश आ रही है, दोनों तरह से कैश आ रही है। तो जो वस्तु व्यापार में आया है उसे डेबिट करो तो कैश अकाउंट डीआर कैश। तो कितनी कैश आ रही है सर, 50,000 तो हमारी खुद की और 1,00,000 रुपीज फ्रेंड गोपाल की है। तो टोटल व्यापार में कितना पैसा आ रहा है, देखा जाए तो टोटल बिजनेस में 1,50,000 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 1,50,000 रुपीज कैश के रूप में आ रहे हैं, तो फिर अब देने वाला कौन है सर, एक तो मालिक खुद है। तो जब भी मालिक व्यापार में पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनका नाम ना लिखते हुए कैपिटल बोलते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। साथ ही साथ पैसा और कौन दे रहा है हमें, गोपाल दे रहा है, और गोपाल किस फॉर्म में दे रहा है, लोन के रूप में। तो गोपाल का लोन हो गया एक तरह से, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं गोपाल्स लोन अकाउंट, ताकि हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी लायबिलिटी है कि उस व्यक्ति से हमने पैसा लिया है तो उसको हमें वापस देना है। तो 1,50,000 रुपए टोटल हमारे पास कैश आ रहे हैं, जिसमें से 50,000 रुपए मालिक के हैं, साथ ही साथ 1,00,000 रुपया गोपाल का है जो लोन के रूप में हम उससे ले रहे हैं। तो अब नरेशन हो जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड लोन। लोन से आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये बेसिक ट्रांजेक्शन से आप जो बिजनेस शुरू करते हैं तो नॉर्मली इन तीन तरह के ट्रांजेक्शन आपको आएंगे। मैंने एक ही साथ एक्सप्लेन किए ताकि आपको समझने में इजी रहे। अभी मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट करने के सारे ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन किए, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कंपाउंड एंट्री के बारे में। इसे हिंदी में मिश्रित प्रविष्टियां भी कहते हैं, मिश्रित मतलब मिक्स कर दिया गया है इनको, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शंस जिसमें एक ही तारीख, मेन चीजें ध्यान रखना है आपको, एक ही तारीख, ठीक है, एक ही तारीख पर एक अकाउंट डेबिट हो और एक से ज्यादा अकाउंट क्या हो, क्रेडिट हो, या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा, एक से अधिक अकाउंट क्या हो, डेबिट हो, और एक अकाउंट क्या हो, क्रेडिट हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को मिश्रित प्रविष्टि भी कहा जाता है। ये हम समझेंगे क्योंकि आप अकाउंटिंग पहली बार कर रहे हैं तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम टैली सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तब इनको हम अलग अलग ही करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अभी आप समझ लीजिए व्हाट इज कंपाउंड एंट्री। लेट्स सपोज 25 तारीख का एक ट्रांजेक्शन है जिसमें बताया गया कि 10,000 रुपए का माल नगर व 5,000 रुपए का माल वर्मा से खरीदा। मतलब आप माल खरीद रहे हो 10,000 रुपए का, तो आप खुद नगद खरीद रहे हो किसी दुकान से, और 5,000 रुपए का माल किसी दूसरी दुकान से आप खरीद के ला रहे हो वर्मा से। अब देखा जाए तो उस पर्टिकुलर 25 तारीख को आप क्या कर रहे हो, दो बार माल खरीद रहे हो, ठीक है। 25 अप्रैल, ठीक है, आपने डेट डाली, आपने क्या करा, माल खरीदा। तो जब भी माल खरीदते हैं तो आपको पता ही है वो हमारे रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो रियल अकाउंट का रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो। तो हमने आपको बताया जब भी हम माल खरीदते हैं, माल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको जब भी खरीदा जाए तो परचेज बोला जाएगा और बेचा जाए तो सेल्स बोला जाएगा। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब आपने माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डीआर। टू, आपने बोला सर एक तो नगद माल खरीदा, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप माल खरीदते हो तो क्या होता है, आपके पास से पैसा जाता है, ठीक है। तो आपने बोला परचेस अकाउंट डीआर जो है उसे डेबिट करो, और क्या जा रहा है आपके पास से, पैसा जा रहा है। तो सर आपके पास से कैश कितना जा रहा है, आपने बोला सर मेरे पास से 10,000 रुपए जा रहे हैं, ठीक।
लेकिन आप माल कितने का खरीद रहे हो? सर 10,000 रुपए नगद, वो 5,000 रुपए का उधार माल खरीद रहे हो। मतलब टोटल देखा जाए तो आप माल कितने का खरीद रहे हो? 15,000 रुपए का। तो परचेज में तो आप लिखेंगे 15,000 रुपए, ठीक है। अब मेन चीज ये कि सर नगद खरीदा तो नगद तो आपके पास से केवल अभी कैश कितना जा रहा है? 10,000 रुपए। तो अब 5,000 रुपए और अब उस समय वर्मा से खरीदा, मतलब वर्मा किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो हमारे कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट। उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स, सॉरी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। वर्मा से खरीदा तो वर्मा पाने वाला है या देने वाला? वर्मा से खरीदा मतलब वर्मा देने वाला है, तो देने वाले को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा टू वर्मास अकाउंट। कितने का? 5,000 रुपए। तो एक तरह से आप देखिए दोनों ट्रांजेक्शनों को हमने क्या कर दिया, केश और वर्मा दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। जैसा हमने बोला था एक अकाउंट डेबिट हो और एक से ज्यादा अकाउंट क्या हो? क्रेडिट हो। तो इसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप नरेशंस में बोल सकते हैं बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, नगद भी और उधार भी। नेक्स्ट एक और हम ट्रांजेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज 26 अप्रैल को। अब इसका उल्टा, 5,000 रुपए का माल नगद व 2,000 रुपए का माल हरी एंड सन्स को बेचा। अब आप क्या कर रहे हो? माल बेच रहे हो। नगद माल बेचते हो तो क्या होता है? पैसा आता है और माल जाता है। और उधार माल बेचते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? माल तो आपके यहां से क्या होगा? जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपने हरी एंड सन्स को बेचा, तो हरी एंड सन्स मतलब व्यक्ति या संस्था है ना, संस्था है। तो संस्था जब भी हो तो पर्सनल अकाउंट हमारा बोलता है ऑल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। हरी एंड सन्स को बेचा मतलब हरी एंड सन्स कौन हो गया है? आपका पाने वाला। तो पाने वाले को क्या करना है? आपको डेबिट करना है। साथ ही साथ जब आप नगद माल बेचते हो तो आपके पास क्या होता है? पैसा आता है। कैश अकाउंट दिया, क्योंकि रियल अकाउंट हमें बोलता है जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो, कैश अकाउंट दिया। अब नगद माल बेचते हैं तो क्या एंट्री करते? केवल कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट कर देते हैं, ठीक। लेकिन हम नगद भी बेच रहे हैं और साथ ही साथ उधार भी बेच रहे हैं, तो दो दो बार अलग अलग एंट्री करने की जगह मैंने उसको एक ही साथ करने की एंट्री करेगी। सर कैश अकाउंट भी डेबिट है टू सेल्स, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहा है? मैं हरी एंड सन्स को भी माल बेच रहा हूं, तो हरी एंड सन्स अकाउंट डीआर, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं एक से ज्यादा खाते क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, और एक अकाउंट क्या हो रहा है? आपका क्रेडिट हो रहा है। तो आपने 5,000 रुपए तो नगद और 2,000 रुपए का माल हरी एंड सन्स को, तो एक तरह से देखा जाए तो 26 तारीख को आपने टोटल कितने का माल बेचा? तो टोटल माल आपने 7,000 रुपए का बेचा है टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, मतलब नगद और उधार दोनों तरीके से आपने यहां पर क्या करा है? माल को बेचा। तो ऐसे ट्रांजेक्शनों को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसको कंपाउंड, इसको आप अलग अलग भी कर सकते थे। यदि मैं अलग बेच रहा तो मैं क्या बोलता है? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, ठीक। और हरी एंड सन्स को बेचता तो क्या बोलता? हरी एंड सन्स अकाउंट डीआर टू सेल्स। यदि मैं अलग अलग करता तो ऐसे एंट्री करता, ठीक है। तो एक बार ये एंट्री होती, एक बार ये एंट्री होती, दोनों के केस में अलग अलग देखते तो पहले 5,000 रुपए नगद आते और 5,000 रुपए का माल जाता, फिर 2,000 रुपए हम हरी एंड सन्स के फॉलो करते। तो इसमें क्या हो रहा है? दो दो बार सेल्स आ रही थी, तो दो दो बार सेल्स आ रही थी, उसकी जगह हमने सेल्स एक ही बार करा और कैश और हरी दोनों को मिला के क्या कर दिया? दोनों को अलग अलग बार डेबिट कर दिया। इसी तरह यदि आप जब माल खरीद रहे थे दोनों से अलग अलग माल खरीदते तो केवल आप परचेज टू कैश कर सकते थे, फिर परचेज टू वर्मा कर सकते थे, दो बार कर सकते थे, लेकिन हमने उसको कंपाउंड कर दिया है, एक साथ मिलके कर दिया है, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि भी कहा जाता है। ऐसे ही इसमें एक ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने एक ही तारीख पे एक से ज्यादा एक्सपेंसेस किए, वो भी इसमें आ सकता है। इससे पहले जैसे मैं अभी डिस्कशंस कर रहा था आपको कंपाउंड एंट्री की, परचेस और सेल्स की बताई, एक ही एक और ट्रांजेक्शन को समझते हैं। 5,000 रुपए किराया, 2,000 रुपए लाइट का बिल व 3,000 रुपए वेतन चुकाया। यूजुअली महीने के एंड में हमें क्या करना होता है? सारी चीजें पे करनी होती है।
किराया भी चुका रहे हैं, लाइट का बिल भी चुका रहे हैं और सैलरी भी चुका रहे हैं। यदि मैं इन तीनों को, क्योंकि ये सब एक ही डेट पे हो रही है, ठीक है, यदि मैं अलग अलग एंट्री करता तो क्या एंट्री करता? यदि आज जब मैं किराया चुकाता हूं या लाइट का बिल चुकाता हूं तो ये सभी क्या है? नॉमिनल एक्सपेंसेस है। किराया चुकाया है तो हम एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डीआर टू। किराया चुकाया मतलब आपके पास से रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली कैश जा रहा है। आप यदि लाइट का बिल चुकाते तो आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डीआर टू कैश, इसमें भी आपके पास से कैश जा रहा है। साथ ही साथ आप वेतन चुका रहे हो, वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैलरी, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। देखा जाए तो इन तीनों ही कंडीशंस में कैश यहां पे भी क्रेडिट हो रही है, यहां पे भी क्रेडिट हो रही है, यहां पर भी क्रेडिट हो रही है। तो तीनों को अलग अलग ना करते हुए उनका कहना है आप एक साथ कर दीजिए, उसे कहा जाता है मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री। ठीक है, सो इस एंट्री को हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो रेंट पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट अकाउंट डीआर। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डीआर। आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डीआर। और इन तीनों ही कंडीशनों में आप देखते हैं तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो सभी एक्सपेंसेस को हमने एक साथ डेबिट कर लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे एक स्पेसिफिक डेट पे हो रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। अलग अलग डेट पे हो रहे थे तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, स्पेसिफिक एक ही डेट पे यदि आप कर रहे हो तो इस तरह से आप करेंगे। और साथ ही साथ आपके पास से टोटल कैश आ रहा है टू कैश अकाउंट। रेंट कितने का है आपका? 5,000 रुपए। फिर लाइट का बिल आपका 2,000 रुपए का है, और साथ ही साथ आप वेतन दे रहे हो किसी वर्कर को 3,000 रुपए। तो टोटल एक तरह से देखा जाए तो आपके पास से कैश कितना जा रहा है? 10,000 रुपए। तो इसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। इसको आप नरेशन के रूप में लिख सकते हो, पेड रेंट कॉमा इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमा सैलरी। लेकिन ये ध्यान रखना है डेट क्या होनी चाहिए? सेम। इसमें सारे अकाउंट डेबिट हो गए और एक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इन एंट्रीज को ध्यान से समझिए। आगे की एंट्रीज को और कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें।